गाइस आज की वीडियो में मैं लाया हूँ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी कार की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। आपको पता होगा मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आरसी कार भी है। अब देख लो दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी कार भी मेरे पास आ चुकी है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कार बहुत कम प्राइस में मैंने खरीदा है। देखते हैं क्या ये कार सच में दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी कार है भी या फिर नहीं। ये दिखने में एक मस्टैंग जीटी जैसी दिखाई दे रही है। आज इसके साथ मैं बहुत सारी कार्स का कंपैरिजन भी करने वाला हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी स्टंट कार भी है और दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी थार भी है मेरे पास और एक बहुत कमाल की कार है गाइस, इसको बोलते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी VRRC कार। चलो गाइस फटाफट से करते हैं ये दुनिया की सबसे छोटी आरसी कार की अनबॉक्सिंग। देखते हैं ये कार के अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए गए। चलो कम्प्लीटली रेडी टू रन आरसी कार है। मॉडल नंबर है C75 1:76 स्केल मॉडल पे इसको बनाया गया है। यहाँ पे इसके क्या क्या मेन फीचर्स है वो सारी लिस्ट दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। इतनी बड़ी लिस्ट तो यार मैंने आज तक बड़ी सी बड़ी कार के अंदर भी नहीं देखी है। यहाँ पे एडजस्टेबल व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है, इसके अंदर टर्न सिग्नल है, फ्रंट व्हील शॉक एब्जॉर्बर भी इसके अंदर दिया गया है और तो और इसके अंदर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप इसको एक बार चार्ज करोगे ना ये 30 मिनट्स तक बहुत आराम से चल जाएगी। चलो इस फटाफट से बॉक्स को यहां से मैंने ओपन कर लिया है। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये तीन तीन आरसी कार से पर एक ही आरसी कार इसके साथ मिलती है, जैसे कि ये वाली है। इसका जो बॉडी शेल है आप कंप्लीटली ये वाला लगा सकते हो इसके ऊपर। नीचे की चैसिस भी अलग सेपरेटली दी गई है। अगर आप इसके ऊपर पेंट वगैरह करना चाहते हो तो गाइस वो भी कंप्लीटली कर सकते हो। तो फटाफट से निकालते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई। अगर आप ये कार को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हो। साइज देखो यार इतना ज्यादा छोटा है कि क्या ही बताओ। अगर ये कार को मैं किसी और चीज के साथ आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा तो तब आपको समझ में कि ये कार कितनी ज्यादा छोटी है। जैसे कि मेरे पास एक डुरासेल की बैटरी है, ये देख लो गाइस ये कार डुरासेल बैटरी जितनी छोटी बनाई गई है। यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी कार रिमोट कंट्रोल से भी चल सकती है। मेरे पास देखो एक और हॉट व्हील की कार है, आप देखो इसके साइज की बराबर इसको बनाया गया है। पर ये कार इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसके हेडलाइट्स तक काम करते हैं, इंडिकेटर तक काम करते हैं और आप इसको कंप्लीटली रिमोट से भी चला सकते हो। पीछे की टेल लाइट तक इसकी काम करती है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, उससे पहले गाइस इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है ये एक बार आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इसका बॉडी शेल है, पर आप पेंट वगैरह करके इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। ये इसकी चैसिस वगैरह है। यहाँ पे उसी तरीके की एक और चीज भी दी गई है, ये देखो कंप्लीट अलग मॉडल आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे इसकी एक यूजर गाइड भी दी गई है। इसके और भी अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि मिनी कूपर का मॉडल है, ऑफ रोड C81 का भी मॉडल मिल जाता है। अरे बाप रे पीछे की तरफ देखो यार, ओ भाई साहब मजा आ गया यार। तो और देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे एक और यूजर गाइड दी गई है कि इसको किस तरीके से चलाना है। अरे ये क्या है यार, इसका रिमोट देखो काफी ज्यादा अलग है, दो अलग अलग पार्ट्स में इसका रिमोट देखने को मिलता है। उससे पहले यहाँ पे एक और चीज है, ये इसका टाइप सी वाला चार्जर है। यहाँ पे ये अलग पार्ट है रिमोट का और ये अलग पार्ट दिया गया है। तो अच्छा इसको जोड़ना होता होगा शायद इस तरीके से। यहाँ पे इसको स्लाइड करूंगा मैं, ये शायद इस तरीके से स्लाइड होता होगा। अब देखो लग रहा है ना एक कंप्लीट रिमोट कंट्रोलर। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है। अगर देखोगे इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं ना, इसका रिमोट काफी ज्यादा बड़े साइज का दिया गया है इसके मुकाबले में, क्योंकि एक टर्बो रेसिंग कार है तो इस वजह से रिमोट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। रिमोट की क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है। ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और ये रिमोट के अंदर बहुत ही खास चीजें भी दी गई है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। देखते हैं और क्या है। और कुछ भी नहीं है गाइस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच इसके अंदर दिया गया है, ये प्रॉपर तरीके से कैमरे के अंदर नजर ही नहीं आ रहा है यार। बाकी एक बार इसको चार्ज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है, इसको इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे इस तरह का टाइप सी पोर्ट आ जाएगा। इसके अंदर हम डायरेक्ट अभी इसको लगाएंगे तो ये चार्ज होना चालू हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब ये चार्ज हो रही है गाइस, यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर की एक लाइट आ रही है। आपको जस्ट इसको 15 मिनट चार्ज करना है, फिर ये 30 मिनट तक आप इसको चला भी सकते हो। यहाँ से ऑन करता हूँ मैं इसको, ये ऑन हो चुकी है। अंदर की तरफ देख रहे हो गाइस कितनी ढेर सारी LED लाइट्स भी इसके अंदर दी गई है। तो रिमोट को भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं एक बार। सामने की तरफ हेडलाइट्स, ओ माय गॉड क्या ही कमाल की हेडलाइट्स दी गई है भाई साहब। कार अभी चल भी रही है, ये सिर्फ अभी 20% मोड पे चल रही है। यहाँ से आप इसकी लाइट को कंप्लीट बंद भी कर सकते हो।
या फिर इसको कंटिन्यूअस ऑन भी रख सकते हो, या फिर फ्लिकरिंग मोड है ये मोड भी इसके अंदर ऑन कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ की जो लाइट्स है इसको भी आप कंप्लीट चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, वापस से मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ, ये फीचर इसके अंदर दिया गया है। अब ये सामने की हेडलाइट्स के अंदर ही इंडिकेटर दिया गया है। अब मैं जैसे ही टर्न करता हूँ तो देखो एक तरफ की जो लाइट है इस तरीके से ब्लिंक करने लग रही है, इस तरफ करूंगा तो इस तरफ की लाइट जो है इस तरीके से ब्लिंक करेगी, और व्हील्स भी आप देख सकते हो इस तरीके से टर्न हो रहे हैं, काफी ज्यादा टर्न हो रहे हैं यार ये तो। बाकी गाइस और भी मेरे पास कार्स है, उनको भी फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, फिर देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। तो ये सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्लियरली आप देख सकते हो हमारी टर्बो रेसिंग कार कितनी ज्यादा छोटी है। अगर मैं इसको थार के साथ कंपेरिजन करके बताऊं तो थार के व्हील के बराबर जितनी है बड़ी मेरे को लग रही है। चलो गाइस फटाफट से इन सभी को एक बार चला के देखते हैं कि इनमें से कौन सी कार है सबसे ज्यादा परफेक्ट। तो सभी कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। अपनी मस्टैंग जीटी छोटी कार से भी और ज्यादा छोटी लग रही है, ये तो एक माइक्रो आरसी कार है यार। एक काम करते हैं इसको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने अभी 20% पे रखा है। ये दिखने में छोटी है पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस। इसके नीचे एक रेड कलर की लाइट भी आ रही है, इस वजह से नाइट में अगर हम इसको चलाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब इसकी स्पीड मैंने 100% पे रख दिया है। ओ भाई साहब इसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक है यार, मेरे एक्सपेक्टेशन से ये कार कुछ ज्यादा ही मेरे को लग रही है। अगर मैं इसको चला रहा हूं तो देखो स्पीड के कारण पीछे का व्हील एकदम जंप करने लग रहा है। अब ये मिनी स्टंट कार को चलाते हैं, उससे पहले इसका रिमोट मेरे हाथ पे मैंने चिपका लिया है। इसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं। ये ऊपर के दो बटन्स इसको आगे चलाने के लिए, नीचे के दो बटन्स इसको रिवर्स मोड में चलाने के लिए होते हैं। जैसे मैंने दोनों बटन्स प्रेस किया है देखो ये चलने के साथ साथ स्टंट भी कर सकती है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग का भी फीचर दिया गया है। अभी यहां पे मैंने प्रोग्रामिंग करके देखो बीच का बटन जैसे ही दबाया ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से भी चलने लगती है। इसके स्टंट्स बहुत ही ज्यादा गजब के हैं। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन वाले दोनों बटन इकट्ठा प्रेस करूंगा तो ये क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमती है। अगर ये बटन प्रेस करता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमते घूमते स्टंट्स भी कर सकती है। एक काम करते हैं अभी यहां से इसका बेल्ट निकाल लेते हैं, रिमोट को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस ये इतनी छोटी सी कार इतने कमाल के स्टंट्स करेगी। अब VR स्पाई कार को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ये कार के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए, जैसे कि इसके अंदर जायरो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। चलो इसको एक बार दौड़ा के दिखा देता हूं। और बाप रे इसकी स्पीड देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा दी गई है। ब्रेक्स भी एकदम परफेक्टली इसके अंदर लग जाते हैं। और ये कार की सबसे खास चीज है इसकी कंट्रोलिंग। यहां पे देखो आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर इसके अंदर फोटोज वगैरह भी खींच सकते हो। एक बार मैं आपको इसका वीडियो की क्वालिटी दिखा देता हूं। यहां पे ये इसका VR है। VR के अंदर मोबाइल फोन लगाना पड़ता है, मोबाइल मैंने लगा दिया है। अब देखो गाइस यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। राइट साइड में आपको कॉर्नर में VR कैमरा दिखाई दे रहा होगा। ये फुल HD में रिकॉर्ड नहीं करता है गाइस, सिर्फ 720p में रिकॉर्ड करता है। फिर भी देखो इसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा ऑसम मेरे को लग रही है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस इसकी वीडियो की क्वालिटी इतनी ज्यादा परफेक्ट होगी। जहां तक कार की बात करूं, कार मेरे को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस। और ये कार बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर सकती है, 360 डिग्री भी घूम सकती है। सामने के व्हील के अंदर जायरो सेंसर होने के कारण कमाल की ये कार ड्रिफ्टिंग कर सकती है। अगर आप इसको ऑफ रोड में चलाओगे ना फिर भी ये कार बहुत परफेक्टली चलती है। अब मेरे पास ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी थार भी है। इसको नॉर्मल सरफेस पर चलाना एकदम बेकार है, तो इसको चलाते हैं यहाँ पे, देखते हैं गाइस क्या ये बड़ी थार के जैसी क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड देख रहे हो गाइस कितनी आराम से ये इतनी ऊपर तक चढ़ चुकी है। एक काम करते हैं अभी सेम टेस्ट ये कार के साथ करके देखते हैं। ये एक बहुत ही फास्टेस्ट कार है, देखो ये आधे रास्ते तक जाने के बाद अपने आप ही रिवर्स आने लग रही है क्योंकि गाइस इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। अब ये मिनी स्टंट कार को भी एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये स्टंट कार के अंदर ग्रिप तो है पर बिल्कुल भी ज्यादा पावर नहीं होने के कारण देखो ये जरा सी भी क्लाइंबिंग नहीं कर पा रही है। तो ये सभी कार्स में से क्लियरली आरसी थार परफेक्टली चल सकती है हर एक टेरेन में। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी कार है सबसे ज्यादा फास्ट। ये मिनी मस्टैंग देखो यार कितनी ज्यादा छोटी लग रही थी। अब रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मिनी मस्टैंग को बिल्कुल भी कम मत समझना गाइस, देखो इसके व्हील्स के नीचे से ये निकल गई थी। वापस से मैंने रेस को स्टार्ट कर दिया। क्लियरली यहाँ पे मिनी मस्टैंग बहुत ज्यादा फास्ट है आरसी थार के मुकाबले में। यहाँ पे आरसी थार पूरी कोशिश कर रही थी इसको ओवरटेक करने के लिए पर मिनी मस्टैंग ने इसको हरा दिया है रेस में। अब मिनी मस्टैंग की रेस कराते हैं मिनी स्टंट कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मिनी स्टंट कार को बिल्कुल सीधा चलाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्सेल में ये एक स्टंट कार है। वहीं दूसरी तरफ मिनी मस्टैंग देखो यार कितना ज्यादा स्ट्रेट चल रही है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। क्लियरली यहाँ पे वापस से मिनी मस्टैंग आरसी कार जीत चुकी है रेस को।
अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीतती है, कौन सी कार है सबसे ज्यादा फास्ट। मिनी मस्टैंग पहले आगे निकल गई थी, पर ये जो स्पाई कार है ना भाई, इसकी स्पीड अलग ही लेवल की दी गई है। देखो गाइस, ये एक राउंड लगा के भी वापस आ चुकी है। ओ भाई साहब, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये दोनों ही कार्स के साथ मैंने ड्रिफ्ट भी करा के देखा है, और दोनों ही कार्स बहुत आराम से ड्रिफ्ट भी कर रहे थे। पर यहाँ पे क्लियरली विनर है स्पाई वीआर कार। अब ये मिनी थार कितना ज्यादा वजन खींच सकती है एक बार टेस्ट करते हैं। इसके पीछे मैंने एक बहुत बड़े ट्रक को बांध दिया है, उसके ऊपर देखो एक ड्रिफ्ट टर्बो रेसिंग कार को भी रख दिया है। ये दोनों का वजन बहुत ज्यादा है, फिर भी अपनी मिनी थार इतना ज्यादा वजन खींच के लेके जा रही है। इसके ऊपर मैंने एक और बॉक्स रख दिया है मर्सिडीज GTR प्रो का, ये कार भी बहुत ज्यादा वजनदार है। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो मिनी थार बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे की बड़ी थार है ना गाइस, उसी तरह से ये भी बहुत पावरफुल है। फिर मैंने मिनी ड्रिफ्ट कार के साथ भी सेम टेस्ट करके देखा है गाइस, ये कार तो बिल्कुल भी पीछे का जो ट्रक है इसको हिला तक नहीं पा रही थी यहां से। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये मिनी मस्टैंग कार कैसी लगी। तो फटाफट से चलो गाइस, अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है ऋषभ, गौतम, यूनुस, सुब्रजीत, महेश, तरुण, पीयूष, सलमान, रंजीत, शान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।